स्वामी जी, आज इस जगत के अंदर वास्तुशास्त्र का बहुत बोलबाला है। वास्तुशास्त्र इतना फैल गया है कि हर व्यक्ति जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाता है, दुकान बनाता है, काम करता है। तो आपका जो ये आर्ट ऑफ द विजन है और ये जो अध्यात्म विज्ञान है, उसमें वास्तुशास्त्र की क्या उपयोगिता और वास्तुशास्त्र कितना उपयोगी है, उससे संबंधित कोई भी आपके जो विचार हो, भाव हो, तो कृपया हमें प्रकट कीजिए। जरूर जरूर। ये जो वास्तुशास्त्र है वो क्या है? वास्तुशास्त्र वो सच्चाई है, गलत नहीं है, मगर वास्तुशास्त्र जो है वो नेचुरल फॉर्म में होता है। आपका तकदीर जैसा है वैसा ही कुदरत आपको संजोग देती है। अगर सफलता मिलने वाली है तो उसी प्रकार संजोग मिलेंगे, अगर निष्फलता होगी तो उसी प्रकार संजोग मिलेंगे। अगर आप कहोगे कि मेरा काम में सफलता होने वाली है तो उसी प्रकार के आपको साइन कुदरत देगी, आपको निष्फलता मिलने वाली है तो ऐसी आपको साइन देगी, सिम्टम्स। तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से सिम्टम्स को बदलना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, या तो परिवर्तन करना चाहते हैं। तो साइंटिफिक विजन क्या है? क्या आप अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपनी मेहनत से, या तो अपनी शक्ति से, क्या आप अपना भविष्य परिवर्तन कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र शास्त्र के रूप में सही है, सैद्धांतिक रूप में भी सही है, मगर वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमको हमारा एंट्रेंस पूर्व से पश्चिम में मिल गया, या तो हमारे भगवान का स्थान ईशान को छोड़ के अग्नि दिशा में आ गया, और हमारा किचन जो है जो अग्नि दिशा में होना चाहिए उसमें उत्तर में आ गया, तो ये जो नेचुरल हमको जो मिला है ये हमारे कर्मों के फल से मिला है, क्योंकि इसी प्रकार के भुगतान हमको मिलने वाली है, इसीलिए संजोग मिला हमको, हमने बनाया नहीं है, मिला हमने। हम क्या समझते हैं कि वास्तुशास्त्र में जो लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म कि उस दिशा में ये होना चाहिए, उस दिशा में ये होना चाहिए, उस दिशा में ये होना चाहिए, ये जो मानते हैं हम, तो बदलने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। हर व्यक्ति प्रयास करते उसका मतलब तो ये हो गया हम पैसों से और बुद्धि से अपना वर्तमान भविष्य बदल सकते, बात सही नहीं है। तो आज लोग पागल क्यों हो जाते हैं वास्तुशास्त्र के पीछे? वो समझते हैं कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम अपनी घर की परिस्थितियाँ चेंज करके अपना भविष्य बदल सकते हैं, ये बात सही नहीं है। कुदरत ने आपको जो संजोग दिया वो आपके भविष्य के लिए दिया है, आपके कर्म फल स्वरूप दिया है, वो आपका जीवन का हिस्सा है, आप समझे। हम हजारों साल की अगर संस्कृति देखे जाए, राम के समय की, कृष्ण के समय की, महावीर के समय की, ऐसे बहुत महान पुरुष जो हमारे जीवन में हो गए, हमने उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी है, क्या कभी ऐसे महान पुरुषों ने वास्तुशास्त्र के मुताबिक भौतिक चीज़ों को, घर को परिवर्तन किया है? ऐसा कोई जगह पे आपको सिम्टम्स मिलता है, साइन मिलता है, नहीं मिलता है? उसके जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, वनवास भी जाना पड़ा, संघर्ष भी करना पड़ा, युद्ध भी करना पड़ा, खाना पीना जीना हराम हो गया था। तो क्या उन्होंने वास्तुशास्त्र का साथ लेके क्या अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया था? नहीं किया था। तो वास्तुशास्त्र गलत नहीं है, वास्तुशास्त्र साइंटिफिक है, सैद्धांतिक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर कुदरत ये कहती है कि मैंने जो आपको परिस्थिति दिया है वो आपके कर्म के फल स्वरूप दिया है, जैसा फल मिलेगा वैसे ही आपको संजोग मैंने आपको दिया है। आप कहोगे मैं अपनी बुद्धि से उसको परिवर्तन कर दूंगा तो मेरा भविष्य चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भविष्य बदलने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि भविष्य तो हमने बनाया है पहले। आज कुदरत वो जो बनाया हुआ भविष्य भाव के रूप में उसका कुदरत हमको फल देती है, तो फल के समय आपके पास वो फल में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। फिर भी बुद्धिशाली लोग, कॉमर्शियल लोग, पैसे कमाने के लिए लोगों को उकसाते हैं और गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद उनको पैसा मिलता है, उनका घर में घर परिवर्तन होता है, तो उनको लगता है कि शायद अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। आप समझे कि ये सब्जेक्ट के साथ, वास्तुशास्त्र के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट जो पहले मैंने छोड़ दिया था वो आज लिंक कर देता हूँ। वास्तव में
एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी ऐसा है। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? आपका भविष्य बता सकती है, बदल नहीं सकती है। कोई कहेंगे मंत्र जाप से, वीटी पहनने से, नंग पहनने से, या तो ध्यान करने से, भक्ति करने से, क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? नहीं, बदल नहीं सकते, मगर थोड़े समय के लिए हम अपने उपयोग को टाल सकते हैं ताकि वो सफरिंग नहीं लगे। जैसे आज मेरे को बहुत दिक्कत है, फिजिकल फिटनेस मेरी अच्छी नहीं है, तो बार बार मेरा ध्यान यहाँ जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसी समय मैंने अपना मन भगवान पे लगा दिया, भगवान की भक्ति पे लगा दिया, भगवान के मंत्र पे लगा दिया, तो भजन पे लगा दिया। ऐसा मैं कुछ न कुछ अपना मन वहाँ लगा दूंगा तो थोड़े समय के लिए मेरे को जो अभी दर्द हो रहा है वो दर्द महसूस नहीं होगा। हम सबको मालूम है, हम जीवन के अंदर हमारे पैर में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, और दर्द तो है, उनकी दवा भी ले रहे हैं, मगर जब टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और अच्छा सो आता है, हम टीवी में मग्न हो जाते हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, तब तक तो हमको महसूस नहीं होता है कि पेन कहाँ हो रहा है। पेन तो हो रहा है, महसूस होने जाए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा चित कोई और जगह पे विथ इंटरेस्ट है। फिर जैसे वो इंटरेस्ट, वो शो खत्म हो गया, अपने आप पेन फील होता है। तो ये चित की बात है, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपने अलग कर दिया, इसीलिए जो हो रहा है वो आज होने के बावजूद भी फील नहीं करते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी मुश्किलों को टालने के लिए कोई धार्मिक, कोई आध्यात्मिक रास्ता ढूंढ सकते हैं और इसी के माध्यम से आप इनको संभाव से निकाल कर सकते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वीटी पहनोगे, मंत्र तंत्र करवाओगे, तो उसमें आपका भविष्य परिवर्तन नहीं होगा और पैसा भी जाएगा, आप समझे। तो 4 सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। मैंने पहले कहा था कि एस्ट्रोलॉजी है वो क्या करते हैं, वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। विद्या का मतलब होता है नेचुरल गिफ्ट, शास्त्र का मतलब होता है पढ़ के बताना। दूसरी बात है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो अगर उसके पास विद्या है तो भी आपका भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो चुका है आपके पैदा होने से पहले। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति मेरा भविष्य बदल सकता है तो पहले खुद का बदलेंगे या आपका बदलेंगे? अगर खुद का बदला हुआ है तो उसको बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपना भविष्य बदलने का प्रयास करते हैं, आपका भविष्य नहीं, अपना भविष्य बदलने के लिए भी आपका भविष्य बदलने का वो प्रयोग करेंगे, सफलता निष्फलता वो आपका कर्म रहेगा। 4थी बात और अंतिम बात, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, ज्योतिष होता है, भविष्यवेता होता है, उनका घर किनके पैसों से चलता है? सिंपल बात है, उनका घर हमारे पैसों से चलता है और हमारा घर वो चलाएगा। इज इट पॉसिबल? इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस और अनकॉमन सेंस। या तो इसीलिए आपको समझना चाहिए, मैं न वास्तुशास्त्र न ज्योतिष शास्त्र किसी का मैं विरोधी नहीं हूँ। मेरा काम है ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो एज इट इज दिखाना। आपको इसको समझना है, फॉलो करना है न करना है, वो आपकी स्वतंत्रता रहेगी। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज बताने की कोशिश किया है, वास्तुशास्त्र भी सही है, एस्ट्रोलॉजी भी सही है, मगर वो आपका भविष्य बदल सकते हैं ये बात सही नहीं है, आप समझे। तो बस समय की मर्यादा के अधीन मैंने आपको जो बात किया है, आप गौर से उसको सुनना, समझना और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना।